एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम स्केलिंग, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी है फॉरियर ट्रांसफॉर्म की। तो टाइम स्केलिंग ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर अगर एक्स टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म सॉरी एक्स टी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्स ऑफ ओमेगा है, देन अगर मैं टाइम को शिफ्ट कर दूं, सॉरी टाइम को स्केल कर दूं बाय ए यूनिट्स ए टी, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क पड़ेगा, वन अपॉन मोड ऑफ ए, क्या यहाँ पे वन अपॉन मोड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाय ए। ठीक है, ध्यान रखना क्या करना, वन अपॉन मोड ए, अगर यहाँ पे ए नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन एक्स ऑफ ओमेगा क्या रहेगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मोड लेने में, ठीक है, नेगेटिव नंबर का क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है बस। तो करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी पे बेस्ड, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है ये एग्जाम्पल। एफ टी बराबर ये दे रखा, तो हमसे पूछा एफ थी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पहले एफ टी का पता करें, यानी जैसे यहाँ पे एक्स टी था उसका एक्स ऑफ ओमेगा पता करें, फिर एक्स ऑफ ए टी का निकाल लेंगे प्रॉपर्टी का यूज करके। तो निकालते हैं इसको एक बार, तो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना मुझे, ई की पावर माइनस ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला बता दूँ, ई की पावर माइनस ए टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ई यू टी भी होगा साथ में, एक सेकंड क्या होगा यहाँ पे यू ऑफ टी, ठीक है, ई की पावर माइनस ए टी यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ए मैंने शायद दूसरे वीडियो में बताया था कितना होता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो बस ये करना है यहाँ पे, ई की पावर माइनस माइनस ई की पावर माइनस टू टी यू ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है क्या हो जाएगा, एक जगह कितना इसमें दो, ठीक है, तो फॉर्मूले में दो लगा दूंगा, वन अपॉन टू प्लस जे ओमेगा। ठीक है, तो ये एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू मेरी किसकी है, एक्स ऑफ ओमेगा फॉर्मूले के हिसाब से, यानी ये कितना एफ ऑफ ओमेगा, ये एफ टी है, ये एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या एफ टी, ये क्या एफ टी, ये क्या मेरा एफ टी, और ये मेरा क्या एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए किसका एफ थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो देखो प्रॉपर्टी क्या, एक्स ऑफ ए टी बराबर वन अपॉन मोड ए ओमेगा बाय ए, तो मुझसे पूछा गया किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, एक जगह कितना इसमें तीन, प्रॉपर्टी के हिसाब से एक जगह कितना तीन, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या कहता है वो फॉर्मूला, वन अपॉन मोड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाय, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा बाय ए, एक ही जगह कितना तीन, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब एफ थ्री टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, तीन का तो मोड क्या रहने वाला, तीन ही रहने वाला, एक्स ऑफ ओमेगा बाय तीन। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स ऑफ ओमेगा बाय तीन की वैल्यू, तो मेरा यहाँ पे कितना है, एक्स नहीं है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा एफ, ठीक है, मैं तो एफ के लिए सोल्व कर रहा हूँ, एफ लिख लो, एफ एफ ऑफ ओमेगा बाय थ्री, ठीक है, एफ ऑफ ओमेगा बाय थ्री। ठीक है, तो मेरे पास एफ ऑफ ओमेगा है यहाँ पे, तो ओमेगा बाय थ्री निकालूंगा, तो जहां जहां पे ओमेगा ना पूरे इसमें पूरे टर्म में ओमेगा की जगह क्या लिख देना, ओमेगा बाय थ्री, तो मेरा यहाँ पे एफ थ्री टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना आ जाएगा, एफ थ्री टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना आ जाएगा, क्या कर देना मुझे, रिप्लेस ओमेगा बाय थ्री, तो ये पहले वन बाय थ्री तो बाहर ही है, ठीक है, वन अपॉन यहाँ पे देखो ओमेगा की जगह कितना रखना, ओमेगा बाय थ्री टू ओमेगा बाय थ्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा, एफ थ्री टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ कितना हो जाएगा, ये वन अपॉन ये टू के नीचे वन लिख लूँ कितना हो जाएगा, ये सिक्स प्लस जे ओमेगा अपॉन थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, थ्री तो पहुँच जाएगा न्यूमिनेटर में,
जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ऑफ 3t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है 1/3, तो 3 तो पहुंच गया ऊपर, जे प्लस जे ओमेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा एफ 3t का वन अपॉन जे प्लस 6 + j ओमेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया था गेट में। ठीक है, तो गेट में जो क्वेश्चन आया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको यहाँ लिख के। तो गेट का जो क्वेश्चन था, गेट गेट ये आया था 2006 में। प्रॉब्लम क्या था, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो हमसे पूछा गया था एक्स 5t-3 का क्या होगा, एक्स 5t-3 का क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या करना, पहले तो टाइम शिफ्टिंग करेंगे t-3, देन निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको, इसको निकालते हैं, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले निकालें एक्स t-3। ठीक है, तो एक्स t-3 का क्या निकालते हैं, पहले कितना हो जाएगा यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म, टी नोट की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं फॉर्मूला बता दूं, एक्स t-t0 का जो फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, e^-j ωt0 एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी नोट की वैल्यू कितनी थी 3, फॉर्मूले में लगा देता हूँ सीधा, e^-j ωt0 की जगह 3 × x ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो एक्स टी माइनस थ्री कितना आ गया मेरा, e^-j 3 ω एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच गई। अब क्या करना है, मुझे एक्स, मुझे चाहिए एक्स 5t-3। अब निकालूंगा मैं एक्स 5t-3 का। ठीक है, तो अब लगाता हूँ मैं एक्स 5t-3, यानी अब देखो टाइम को मैं क्या कर दिया, स्केल कर दिया 5 से। इसका निकालना क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई है 5। ठीक है, ध्यान रहे 5 हो गई। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स ए टी का क्या होता है फॉर्मूला, 1 / |a x ω/a। ठीक है, तो एक की जगह 5 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/ जो भी है पूरा। ठीक है, ये अब मेरा क्या है, ये चल रहा है एक्स ऑफ ओमेगा पूरा। ठीक है, ये क्या चल रहा है मेरा एक्स ऑफ ओमेगा। तो इसमें क्या करूंगा, इस पूरे में एक ही जगह क्या रख देना मुझे, 5 रख देना। ठीक है, पहले सॉरी 1/5 तो बाहर आ जाएगा, और ओमेगा को क्या रिप्लेस करना, ओमेगा बाय ए से, यानी ओमेगा बाय 5 से। तो 1/5 तो ये बाहर आ गया, और ओमेगा को क्या रिप्लेस करना मेरा, ओमेगा बाय 5 से, एक्स ऑफ ओमेगा बाय 5। ठीक है, इस तरह से वहां पे शायद ऑप्शन की विनते उन्हीं में एक ऑप्शन करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, शायद सी ऑप्शन करेक्ट था, 1/5 e^-, नहीं नहीं 5 नहीं था, इससे ये था ऑप्शन ए शायद, 1/5 e^-j 3 ओमेगा बाय 5 एक्स ऑफ ओमेगा बाय 5। हाँ या, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पे ये समझ आया होगा। ठीक है, इस तरह से बस हम क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं इनके, ज्यादा कुछ नहीं करना, टाइम, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया था, उसको आप कर लेना प्रैक्टिस इसी तरह से, गेट के क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं मकसद यही था कि कैसे इसको प्रॉपर्टी को यूज करना अगर आ जाए तो, अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, सब यूज का क्या करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर, तो मैं एक होमवर्क प्रॉब्लम भी दे देता हूँ हाथों हाथ। होमवर्क प्रॉब्लम में जिसका तुम्हें निकालना है, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है,
हमसे पूछा गया एक्स ऑफ 2/3 टी माइनस 3/2, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सब और क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग और शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसी से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।